नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। भोपाल में अपनी मांगों को लेकर पटवारियों ने रैली निकाली, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश भर से आए पटवारियों ने नीलम पार्क में धरना भी दिया। पटवारी 11 सालों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनकी 5 सूत्री मांगे हैं कि सरकार उनका वेतनमान बढ़ाए, ट्रांसफर ऐच्छिक जिलों में किया जाए, GIS का सरलीकरण हो, पदोन्नति की जाए। पटवारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने कई बार उनको आश्वासन दिया कि उनकी मांगे मानी जाएंगी, लेकिन आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। दिग्विजय शासनकाल के बाद से अब तक उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं की गई। मांगे नहीं माने जाने पर प्रदेश भर के पटवारियों ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। 2100 का पेरेगेट दिया जा रहा है जबकि हम 2800 को पेरेगेट मांग रहे हैं। हमसे बहुत कम काम करने वाले, हम 24 घंटे काम करते हैं और सारी बेगारी शासन की हम करते हैं, इसके बावजूद हमें सबसे कम वेतन दिया जा रहा है। इकलौता कर्मचारी है जिसकी पिछले 1996 के बाद माननीय दिग्विजय सिंह के समय पर हमारा वेतनमान बढ़ाया गया था, उसके बाद किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा कभी भी कोई वेतनमान नहीं बढ़ाया गया है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।